हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं 29 अप्रैल 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। ये कैटेगरीज़ की लिस्ट हैं जो इस सेक्शन में कवर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के कौन से शहर को धूम्रपान मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है। कोहिमा शहर के एक कैंपेन के दौरान कोहिमा स्टेट के डेप्यूटी कमिश्नर रोविला तुओमोर ने यह औपचारिक घोषणा की। इसका आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण सेल ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर टीआर जिलाइंग, गवर्नर हैं पद्मनाभा आचार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रभावित व्यापारियों के लिए ब्याज में कितने परसेंट सब्सिडी को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर है 5%। स्टेट में सितंबर 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के प्रभावित व्यापारियों को राहत पहुंचाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज में 5% सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2016 से शुरू मानी जाएगी और इसकी अपर कैप सीमा 5 लाख होगी और यह 4 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, गवर्नर हैं एनएन वोरा, चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रीजन डिजी लॉकर सुविधा रखने वाला पहला रीजन बन गया है? करेक्ट आंसर है राहुरी। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले की राहुरी नगर परिषद डिजी लॉकर सुविधा रखने वाली पहली नगर परिषद बन गई है। संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के हिस्से के रूप में डिजी लॉकर सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के अंतर्गत राहुरी नगर परिषद के सभी महत्वपूर्ण कागजात अब डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध रहेंगे। डिजिटल लॉकर की तकनीक के अनुसार नगर परिषद के कारोबार को वेबसाइट के साथ जारीकर्ता और अनुरोधकर्ता के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसकी बदौलत सभी नागरिक किसी भी समय अपने सभी दस्तावेजों को उपयोग हेतु डिजिटल रूप में एक ही जगह पर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के शीर्ष पायलट और जेट किस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले हैं? करेक्ट आंसर है रेड फ्लैग। यह हवाई अभ्यास 13 मई तक चलेगा। उसे एक इस हवाई अभ्यास को जटिल और उन्नत नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। यह उड़ान मशीनों और पुरुषों के लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी। यह दूसरी बार है जब भारत 2008 के बाद इस तरह के एक अभ्यास में भाग ले रहा है। इसके चलते उच्च लागत के कारण भारतीय वायुसेना ने हर 5 साल में एक बार इस अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल निर्माता ब्लैकबेरी ने भारत में भुगतान सेवा शुरू की है, इस सेवा का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है BBM मनी। कनाडा बेस्ड मोबाइल फोन निर्माता ब्लैकबेरी और डिजिट सिक्योर ने एक भुगतान सुविधा BBM मनी को भारत में शुरू किया है। BBM मनी नामित यह ऐप ग्राहक के ब्लैकबेरी मैसेंजर अकाउंट से सीधे जुड़ जाएगी और BBM ऐप किसी भी सामान के लिए भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए किसे जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है NK सिंह। NK सिंह को पिछले कुछ दशकों में भारत जापान आर्थिक संबंधों में सहयोग करने में उनके योगदान के लिए जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। NK सिंह को यह प्रतिष्ठित दी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार सम्मान 10 मई को जापान के टोक्यो में इंपीरियल पैलेस में प्रधानमंत्री शिजो एबे द्वारा प्रदान किया जाएगा। वे देश के शीर्ष नौकरशाहों में से एक रहे हैं और भारत के व्यय एवं राजस्व सचिव और योजना आयोग के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर है सुदर्शन पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित 9वें सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सैंड 2016 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उड़ीसा के रहने वाले पटनायक को यह पदक सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 15 फीट की ऊंची आकृति बनाकर विश्व में शांति का संदेश देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है सुरेंद्र कुमार भगत। सुरेंद्र कुमार भगत उत्तराखंड कैडर के 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे आरपीएफ रेलवे बोर्ड के डीजी के तौर पर अपनी सेवानिवृत्त 30 जून 2017 तक इस पद पर रहेंगे। वे इस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर है गरिमा चौधरी। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप में गरिमा चौधरी ने 63 किलो से कम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि राजविंदर कौर ने 78 किलो से कम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्वता को जगाना है। इसके साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना है, जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।